सोलर एक्लिप्स, जिसे हम हिंदी में सूर्य ग्रहण कहते हैं, यह होता है जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है और तब चंद्रमा का साया पृथ्वी के ऊपर पड़ता है। इसे हम ऑकल्टेशन भी कहते हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण होने का मुख्य कारण थोड़ा सा और भी गहराई में जाके जानने की कोशिश करते हैं। असल में चंद्रमा सूरज के मुकाबले पृथ्वी से 400 टाइम्स नज़दीक में स्थित है और सूरज का डायमीटर चंद्रमा से 400 टाइम्स ज़्यादा है। इसलिए ग्रहण के समय पृथ्वी से देखने के दौरान सूरज और चंद्रमा को लगभग समान आकार का दिखता है। जब अपने कक्षा पथ में घूमने के दौरान चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच आ जाता है, तब चंद्रमा का साया पृथ्वी के ऊपर पड़ता है। तब हम उस अवस्था को सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। ये अमावस्या के समय होता है। ग्रहण के समय चंद्रमा का जो साया पड़ता है वो तीन प्रकार के होते हैं, अम्ब्रा, पिनुम्ब्रा और एंटम्ब्रा। अम्ब्रा सबसे अंधेरे वाले हिस्से को बताया जाता है, जहाँ से लाइट सोर्स से निकलने वाला किसी भी तरीके का लाइट गुजर नहीं सकता और तब टोटल एक्लिप्स जैसे हालात होते हैं। पिनम्ब्रा उस हिस्से को बताया जाता है जहाँ लाइट सोर्स से निकलने वाली रोशनी का छोटा सा हिस्सा नजर में आता है, यह होता है पार्शियल एक्लिप्स के समय। और एंटम्ब्रा उस हिस्से को कहा जाता है जहाँ से लाइट सोर्स से निकलने वाली रोशनी नहीं निकल सकता, लेकिन अंधेरे वाले हिस्से के चारों ओर अंगूठी जैसे रोशनी दिखाई पड़ता है। यह अवस्था एन्युलर एक्लिप्स के समय दिखाई देता है। अब बात करते हैं सोलर एक्लिप्स कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, वैसे तो सोलर एक्लिप्स या फिर सूर्य ग्रहण चार प्रकार के होते हैं, टोटल एक्लिप्स, एन्युलर एक्लिप्स, हाइब्रिड एक्लिप्स और पार्शियल एक्लिप्स। तो चलिए इन चार प्रकार के सोलर एक्लिप्स के बारे में विस्तार से जानते हैं। टोटल एक्लिप्स। टोटल एक्लिप्स उस समय को कहा जाता है जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक सामने रहने के कारण सूरज की रोशनी पृथ्वी तक लगभग आना बंद हो जाता है। तब सोलर कोरोना का सिर्फ हल्का सा हिस्सा पृथ्वी से दिखाई देता है। एन्युलर एक्लिप्स। एन्युलर एक्लिप्स के समय सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे रेखा के बराबर अवस्था में रहता है, लेकिन इस समय अपने ऑर्बिट में नियमित अवस्था के मुकाबले थोड़ा सा दूरी में होने के कारण चंद्रमा सूरज के मुकाबले बहुत छोटा दिखाई देता है, जो सूरज की रोशनी को पूरे तरीके से ढक नहीं सकता। और तब चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से के चारों ओर एक उज्जवल अंगूठी जैसे आकार में सूरज की रोशनी दिखाई पड़ती है। हाइब्रिड एक्लिप्स। इस प्रकार के ग्रहण के समय पृथ्वी के किसी भी एक हिस्से से टोटल एक्लिप्स दिखाई देता है, दूसरे किसी और हिस्से से एन्युलर एक्लिप्स दिखाई पड़ता है। ये एक विशेष प्रकार का ग्रहण है जो बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। अब आखिर में बात करते हैं पार्शियल एक्लिप्स के बारे में। पार्शियल एक्लिप्स के समय सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे रेखा में नहीं रहता, तब पृथ्वी से सूरज के कुछ हिस्से को दिखाई देता है। दोस्तों, अब जानेंगे सोलर एक्लिप्स के कुछ साधारण तथ्य के बारे में। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के ज्योमेट्री के ऊपर निर्भर करते हुए ये कहा जा सकता है कि हर वर्ष 2 से 5 बार सूर्य ग्रहण हो सकता है। टोटल एक्लिप्स के दौरान जब चंद्रमा के कारण सूरज पूरे तरीके से ढक जाता है और सिर्फ हल्का सा सोलर कोरोना दिखाई देता है, उसे टोटलिटी कहा जाता है। एक टोटल एक्लिप्स लगभग 7.5 मिनट तक ही हो सकता है और ये हर 1 से 2 साल के बाद ही दिखाई देता है। लगभग किसी भी आइडेंटिकल एक्लिप्स हर 18 साल 11 दिनों के बाद दिखाई देता है, जो 223 साइनोडिक महीने की अवधि के बराबर वाले समय को बताया गया है। इसे हम सेरोस भी कह सकते हैं। साइनोडिक महीना सूर्य और पृथ्वी से जुड़ने वाली रेखा के संबंध में चंद्रमा के कक्षा की औसत अवधि है। दोस्तों, आपको साउथ और नॉर्थ पोल से सिर्फ पार्शियल सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा। अगर एक ही ऑर्बिटल प्लेन में रहते हुए चंद्रमा का ऑर्बिट एकदम सर्कुलर होता और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी और कम होती, तो हर अमावस्या के समय एक टोटल सोलर एक्लिप्स दिखाई देता। लेकिन चंद्रमा का ऑर्बिट एलिप्टिकल होता है और चंद्रमा पृथ्वी के ऑर्बिट के तरफ 5 डिग्री झुका हुआ है। इसके कारण साल में सिर्फ 2 से 5 बार ही सूर्य ग्रहण होता है। दोस्तों, अगर आपको सूर्य ग्रहण देखना हो तो खाली आंखों से सूरज के तरफ न देखें, इससे आपके आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। अगर देखना हो तो विशेष प्रकार से बने चश्मे से आप सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सूर्य ग्रहण का ये टॉपिक इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे महाकाश के और एक नए खोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।